हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुचिका और आज मैंने ली है ये सॉस की बॉटल। इसी को मैं आज डेकोरेट करने वाली हूं। तो सबसे पहले तो इसका स्टिकर निकाल लेते हैं। तो स्टिकर मैंने साफ़ कर लिया है और इसके बाद अब हम इसमें अप्लाई करेंगे वाइट कलर। तो वाइट कलर मैं बेस के लिए दे रही हूँ और मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। और बॉटल में पूरा वाइट कलर करने के बाद मैंने इसको रख दिया ड्राई होने के लिए। तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं जिससे हम बॉटल को डेकोरेट करेंगे। तो ये है मेरे पास पॉप पॉप के पत्थर। तो ये पटाखे होते हैं एक तरीके से बच्चों के लिए। तो इनमें कुछ ऐसे पोटली टाइप्स होते हैं, छोटे छोटे से जैसे रुई की पत्तियाँ नहीं होती हैं उस तरीके का कुछ। और उनके अंदर ये कागज़ के अंदर ये थोड़े थोड़े से पॉप पॉप के पत्थर पड़े होते हैं। इनको फेंक के दगाया जाता है तो आवाज़ होती है थोड़ी सी। तो जो घर में लगाता था मेरा बेटा वो मैं समेट के रख लेती थी ये पत्थर, क्योंकि मुझे पता था मैं कहीं ना कहीं इनको यूज़ ज़रूर कर लूँगी। मुझे फेंकते नहीं बनते थे मुझसे। तो ये मैं इकट्ठे करके रख लेती हूँ। मेरे पास और भी रखे हुए हैं। फ़िलहाल मैंने अभी एक बॉक्स का ही लिया है। एंड आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे ये वाले पटाखे। तो मैंने इन पत्थरों को पांच जगह थोड़े थोड़े से लिए हैं और बाकी जो बच गए थे वो रख दिए हैं, आगे किसी DIY में काम आएंगे। और मैंने यहाँ पर ये ऐसे ढक्कन लिए थे, वेस्ट हैं ये। तो मैंने सोचा था इन्हीं में कलर कर लूँगी, बट कलर करने के टाइम मुझे पता चला कि इसमें कलर करना मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और कलर भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ये वाला तो मैंने किया मतलब ऑरेंज कलर। और यहाँ पर भी मैं एक्रेलिक कलर का ही यूज़ कर रही हूँ कलर करने के लिए। तो फाइनली इतना समय देने के बाद ये कलर हो गए। मतलब इतने छोटे से काम के लिए मुझे इतना ज़्यादा समय देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने इसको अब कलर करने के बाद ट्रांसफ़र कर लिया है पेपर में और रख दूँगी ड्राई होने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो बॉटल्स के ढक्कन थे, कलर की बॉटल के ढक्कन, इनमें ही डाल डाल के और फटाफट से कलर कर दिए। तो इससे जो 2 मिनट वाला काम था ना वो आधे मिनट में ही हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऑरेंज, पिंक और ब्लू और ग्रीन, ये पांच कलर के स्टोन्स कलर कर लिए हैं। इसी तरीके से जिस कलर की बॉटल थी उसी कलर के मतलब ढक्कन में उसी में। तो इस तरीके से सारे स्टोन्स को कलर करने के बाद मैंने पेपर में ऐसे रख दिया है ड्राई होने के लिए। एंड इसके बाद मैं बॉटल में भी सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी डिफरेंट सा एक कलर का शेड बनाया है, उससे मैं कलर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सी ग्रीन टाइप ग्रीन था मेरे पास और थोड़ा सा मैंने उसमें ब्लू मिक्स किया तो इस तरीके का कलर बना। अभी कैमरे में ये मतलब टोटली ब्लूइश, थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप दिख रहा है, बट ये ग्रीन का एक शेड था। एंड ऊपर की साइड मैंने थोड़ा थोड़ा सा फिर उसी में वाइट मिक्स कर करके थोड़ा ऐसे कंप्लीट की है बॉटल को। एंड इसके बाद ये स्टोन्स ड्राई हो गए हैं तो इनको ऐसे हाथों की हेल्प से थोड़ा सा ऐसे अलग अलग सा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बॉटल में थोड़ा सा एक अलग सी शाइन लाने के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स में से ही सिल्वर वाला कलर लेके थोड़ा सा ऐसे स्ट्रोक्स दे दिए हैं बीच बीच में। अब थोड़े से स्टोन्स इस तरीके से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। जो एक प्रॉपर मुझे कलर चाहिए वो मैंने ज़्यादा लिया है, मतलब येलो कलर अभी लिया है ज़्यादा। और उसके बाद थोड़े थोड़े से पांच छह स्टोन्स ऐसे छोटे छोटे से मिक्स करके एक बना लिया है बस, देख सकते हो आप इस तरीके से। और बॉटल में जहाँ पर मैंने सिल्वर कलर लगाया था वहीं पर मैंने अच्छी क्वांटिटी में फेविकोल लगा दिया है। अगर आपके पास कोई हार्ड ग्लू है, कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और चिपक इससे भी जाते हैं, आप फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो और भी अच्छा रहेगा। तो जो पत्थर मैंने मिक्स करके रेडी किए थे वो इस तरीके से इसी फेविकोल के ऊपर हमें डालते जाना है तो वो चिपक जाएंगे। और एक्स्ट्रा जो भी स्टोन्स हैं उनको हटा देंगे और थोड़ा सा फिंगर से प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और आप सोच रहे होंगे जब मैंने इसको स्टोन से कवर कर दिया है तो यहाँ पर मैंने ये शाइनिंग कलर क्यों लगाया, मतलब सिल्वर वाला। लेकिन स्टोन्स जब सूख जाएंगे, जब फेविकोल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो वहाँ से बीच बीच में से जो भी जगह होगी और थोड़ा सा साइड साइड में से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे करके जो अंदर से शाइनी शाइनी सा कलर दिखेगा ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने इसको लगाया है, प्लेन में मैंने नहीं लगाया है। तो इस वाली लाइन में मैंने ग्रीन कलर मेन रखा है और उसमें थोड़े थोड़े से और कलर के स्टोन मिक्स करके बनाया। तो इस तरीके से ही मैंने लाइन सारी कंप्लीट की है। एंड यहाँ पर मैंने सारे में सिल्वर कलर अप्लाई कर दिया, उसके बाद ग्लू लगा लग के सभी को कंप्लीट कर लिया है सारी लाइंस को।
उसके बाद ऊपर जो ये कलर मतलब पार्ट था बॉटल का कैप वाला, वो मैंने कलर नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर मुझे रोप लगानी थी, तो ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको पूरा रोप से कवर कर दूंगी। और इसकी जगह पर आप चाहें तो किसी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने बॉटल में स्टोन्स लगाए हैं, मतलब फेविकोल लगाने के बाद ऊपर से स्टोन्स लगाए हैं, आप चाहें तो उसकी जगह पर स्टोन्स में ही ज़्यादा क्वांटिटी में फेविकोल मिक्स कर लीजिए और बॉटल में प्लेस कर दीजिए स्टोन्स को। सूखने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अभी देखिए, जितने मैंने स्टोन्स कलर किए थे उनमें से इतने सारे अभी बच गए हैं, तो मैं यहाँ पर ऊपर की साइड में भी थोड़े थोड़े से स्टिक कर दूंगी। तो फेविकोल रख के लगा के एक एक स्टोन अब मैं स्टिक कर रही हूँ। थोड़ा ऊपर साइड थोड़ा घना घना सा लगाएंगे, फिर नीचे आते आते थोड़ा सा इसकी जो जगह है कैप है उसको थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से मैंने ऊपर की साइड स्टोन्स लगा के बॉटल को कंप्लीट किया है। इसके बाद भी इतने सारे स्टोन्स बच गए हैं, वो किसी और DIY में यूज़ हो जाएंगे। एंड यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा मतलब प्लेन प्लेन सा ना लगे, तो सिल्वर कलर ब्रश में लेके मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्ट्रोक्स बना दे रही हूँ बीच बीच में, ताकि ये भी थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा दिखे। अब अगर आपके पास डेकोर वर्निश है तो आप अप्लाई कर दीजिए पूरी बॉटल के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, और नहीं है तो मेरी तरीके से इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये स्टोन्स के ऊपर जो कलर लगा है उनको बिल्कुल सिक्योर कर देगा और बॉटल को भी एकदम सिक्योर कर देगा सारे कलर्स को। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको लगाने के बाद स्टोन्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा शाइन भी आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये सॉस की बॉटल को डेकोरेट किया है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। तो देख सकते हो आप इसका रिजल्ट कितना अमेजिंग आया है। और एक बात तो मैं वीडियो के बीच में बताना भूल ही गई, अगर आपके पास ये पॉपअप वाले स्टोन्स नहीं हैं तो मुझे लगता है ये जो कंस्ट्रक्शन के यूज़ में आती है मोरंग, उसमें से भी इस तरीके के पत्थर मिल जाएंगे। बस आप उसको कैसे मतलब छान के किस तरीके से इतने साइज़ के पत्थर निकाल सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का DIY, आज की ये बॉटल डेकोरेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। बॉटल अगर पसंद आ रही है, मेरा आइडिया पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि इस तरीके की सॉस की बॉटल हर एक घर में होती है और हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा करते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आइडिया, आज की बॉटल आपको कैसी लगी। और आजकल मैं बॉटल डेकोरेशन के वीडियोस ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से बॉटल इधर उधर से मांग मांग के इकट्ठी की हैं और अब मैं उनको डेकोरेट कर कर के वीडियो डाल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपको भी ये वीडियोस देखने हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लेना है ऑन, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलती हूँ अपने किसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ किसी न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।